हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम ओनली का यूज देखते हैं। ये कंपटीशन में भी और सेंटेंस में भी, यानी एरर डिटेक्शन के लिए भी इसका बहुत प्रयोग होता है। देखिए किस तरह से हम एरर ओनली का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। पहला आप देखिए ओनली का प्रयोग, रूल नंबर फर्स्ट में हमको बताया ओनली का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करेंगे। इसका मतलब होता है केवल या एकमात्र, ओनली मीन्स केवल एकमात्र या सर्वश्रेष्ठ के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दे आर द ओनली स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, पार्टिसिपेट करने के लिए, डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए ओनली स्टूडेंट्स, एकमात्र केवल मात्र केवल वही स्टूडेंट्स। यहां पर केवल का प्रयोग इस नाउन स्टूडेंट्स नाउन के एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, यह एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। विशेषता बता रहा है केवल वही विद्यार्थी है। जैसे महेश इज द ओनली मीन्स एकमात्र कैंडिडेट, महेश इज द ओनली कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट आया था, एकमात्र ओनली, ये भी यहां पर इस कैंडिडेट नाउन के एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हमने देखा कि ओनली का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। दूसरा देखो ओनली, ओनली का यूज हम कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन के रूप में कई तरह से करते हैं हम इसको। पहले यहां पर बताया एक्सेप्ट, इसके सिवाय, ओनली का प्रयोग इसके सिवाय के रूप में, जैसे सिवाय इसके की या इसके सिवाय। दिस वॉच इज वेरी यूजफुल, ये घड़ी बहुत ही यूजफुल है, उपयोगी है। ओनली इट इज एक्सपेंसिव, ओनली मीन्स सिवाय इसके की ये महंगी है, घड़ी उपयोगी है सिवाय इसके की ये महंगी है, मीन्स महंगी है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, सिवाय इसके की ये महंगी है। ये यहां पर कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। दिस वॉच इज वेरी यूजफुल, एक सेंटेंस ये होगा, ओनली इट इज एक्सपेंसिव, सिवाय इसके की ये महंगी है, कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ यहां पर। दूसरा सेंटेंस देखिए, सुरेश इज फिट फॉर दिस पोस्ट, सुरेश इस पोस्ट के लिए सही आदमी है, ओनली ही इज ऑब्स्टिनेट, केवल वो जिद्दी है। यानी इसके लिए आदमी कैसे चाहिए, जिद्दी टाइप का आदमी नहीं चाहिए, बल्कि वो हठी है, जिद्दी है। तो ये एक मात्र सिवाय इसके कि वो जिद्दी है, मीन्स इस वजह से ये कार्य नहीं हो सकता, एक्सपेंसिव होने की वजह से कोई इसका कोई अब यूज नहीं करेगा। ओनली का प्रयोग फिर कंजक्शन के रूप में, बट ये विरोधाभास के लिए, लेकिन यू मे टेक माय पेन, तुम मेरा पेन ले सकते हो, ओनली रिटर्न इट सून, परंतु इसे जल्दी ही वापस लौटा देना। ये यहां पर बट, ये पेन तो दे दूंगा पर पेन की शर्त ये है, बट रिटर्न इट सून, ओनली यहां पर ओनली का प्रयोग किसके रूप में, बट के रूप में, ओनली रिटर्न इट सून, परंतु इसे जल्दी ही वापस लौटा देना। यहां पर ओनली का प्रयोग बट के रूप में हुआ है। दूसरा देखिए, यू मे सिट हियर, तुम यहां बैठ सकते हो, ओनली डोंट स्पॉइल द कारपेट, परंतु कारपेट को स्पॉइल मत करना। यहां पर ओनली केवल ये बात है कि कारपेट को स्पॉइल मत करना। यहां पर ओनली का प्रयोग किसके लिए, बट के लिए हुआ है। एक देखिए बट और थोड़ा सा इंप्रेस हो जाए तो एंड येट के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, एंड येट, एंड स्टिल, एंड नेवरदलेस के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओनली कंजक्शन के रूप में देखिए, द कार इज चीप, कार सस्ती है, ओनली, ओनली मींस एंड येट, आई कैन नॉट बाय इट, कार सस्ती है परंतु और फिर भी मैं इसे खरीद नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। एंड येट यहां पर ओनली का प्रयोग किसके लिए हुआ है, यहां ओनली का प्रयोग येट, एंड येट और फिर भी मैं इसे नहीं खरीद सकता। द हाउस इज ब्यूटीफुल, घर सुंदर है, बहुत ही सुंदर है घर, ओनली आई कैन नॉट अफोर्ड इट, फिर भी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और फिर भी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहां पर हमने अभी तक देखा कि एडजेक्टिव के रूप में, और तीन जगह ओनली का अगला प्रयोग देखिए,
ओनली का प्रयोग मॉडिफायर के रूप में उस शब्द से ठीक पहले करते हैं जिस शब्द को वो मॉडिफाई करता है। जिस शब्द को मैं मॉडिफाई करेगा, यदि वो नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव के रूप में होगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो किस रूप में होगा, वो एडवर्ब के रूप में होगा। यदि किसी भी क्लाउज को या फ्रेज को वो मॉडिफाई करेगा तो भी एडवर्ब के रूप में होगा। देखिए अब हम देखते हैं पहले सेंटेंस में, देखते हैं ओनली सुरेश, यहां पर इस ओनली ने सुरेश को मॉडिफाई किया, सुरेश नाउन है, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली सुरेश प्रॉमिस्ड टू कम फर्स्ट इन द पार्टी, केवल सुरेश ने पार्टी में पहले आने का वादा किया, सुरेश के अतिरिक्त तो किसी ने वादा नहीं किया, तो यहां पर इसका प्रयोग किस रूप में होगा, एडजेक्टिव के। दूसरा देखें, सुरेश ओनली प्रॉमिस्ड टू कम फर्स्ट इन द पार्टी, सुरेश ने पार्टी में पहले आने का वादा किया पर आने के अतिरिक्त तो और कोई कार्य करने का वादा नहीं किया, उसने केवल इतना वादा किया कि वो पार्टी में पहले आएगा। और यहां पर प्रॉमिस क्या है, वर्ब, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या बन रहा है, ये एडवर्ब। तीसरे सेंटेंस में देखें, सुरेश प्रॉमिस्ड ओनली टू कम फर्स्ट इन दी, यानी केवल आने का वादा किया, यहां पर भी कि वो पहले आएगा, आने का वादा किया, यहां पर भी ये नॉन फाइट वर्ब के रूप में है तो यहां पर भी एडवर्ब के रूप में ही ये कार्य कर रहा है। अगला सेंटेंस, सुरेश प्रॉमिस्ड टू कम ओनली फर्स्ट, ये फर्स्ट किसके लिए है, ये एडवर्ब को ही, ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब को ही व्यक्त कर रहा है, तो ये एडवर्ब को व्यक्त करने वाला भी एडवर्ब ही होगा, केवल पहले आने का वादा किया। ये देखिए यहां पर ओनली हर वर्ड जिस वर्ड के साथ भी आ रहा है उसके साथ अलग अलग अर्थों के रूप में अलग अलग मीनिंग भी दे रहा है। सुरेश प्रॉमिस टू कम फर्स्ट इन दी पार्टी ओनली, यानी उसने केवल पार्टी में, ये फ्रेज क्या बन गया, ये एडवर्ब फ्रेज बन गया, तो एडवर्ब फ्रेज के साथ आया तो ये भी एडवर्ब का ही कार्य कर रहा है, केवल उसने पार्टी में आने का वादा किया था और उसने कोई वादा नहीं किया कि वो केवल पार्टी में पहले आएगा और कहीं लेकर जाना चाहोगे तो और कहीं नहीं जाएगा। तो ये हमने देखा कि ओनली का प्रयोग हम किसी भी शब्द के मॉडिफायर के रूप में भी करते हैं, और जब मॉडिफायर के रूप में प्रयोग होगा उसका तो दो कार्य करेगा, या तो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। तो यदि नाउन से पहले आया, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है, यदि नाउन के अतिरिक्त वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो किस रूप में आएगा, एडवर्ब के रूप में आएगा। यह हमने यूज ऑफ ओनली, ओनली का प्रयोग हमने देखा, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बताया था शुरुआत में भी कि ये सिंटैक्स में यानी एरर डिटेक्शन में बहुत ही उपयोगी है, एरर डिटेक्शन में इसके सेंटेंसेस आते हैं। और बच्चों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए।